गुड मॉर्निंग, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं नीलेश कुमार। तो आज मैं आपको बिहार बीएड परीक्षा 2023 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोग दिए थे उनका रिजल्ट जो है वह जारी हो गया है और अब मैं आपको रिजल्ट चेक करके बताने वाला हूं फुल प्रोसेस के साथ। तो वीडियो को पहले अंत तक देखें और अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च कर देना है, आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सर्च कर देना है आपको। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपके स्क्रीन पे और स्क्रॉल कर देना है, फिर आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे साइट देख रहे हैं जो कि यहाँ पे दिया गया बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी 2023। तो इस पे क्या करना है आपको, टच कर देना। जैसे ही आप टच कीजिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद यह ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का और रिजल्ट यहाँ से देखेंगे अभी आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट यहाँ पे है तो इस पर आपको टच कर देना है। तो जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन इन यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं सर्किल में समझा रहा हूँ, साइन इन पे आपको टच कर देना है। तो जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, लॉगिन में ईमेल आईडी आपको डालना होगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट में आपको टच कर देना है। तो इसमें डालने के बाद पहले ईमेल आईडी डाल लें आप ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर नेम दिया है, यहाँ पर कैटेगरी दिया है और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ, जो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 8 अप्रैल 2023 को जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था, आप लोग भी जान रहे हैं। और 11 से 4 जो डेट था और कोर्स यहां पे देख सकते हैं बीएड है और मार्क्स जो है यहां पे 56 आया हुआ है, यहां पे देख लिए और एग्ज़ाम डेट भी देख लिए। कैसे चेक किए हैं मैंने अभी करके प्रोसेस भी बता दिया और यहाँ पर रिजल्ट देख ले, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, मतलब कि रिजल्ट जो है वह पास हो चुका है। और आपको उसके बाद क्या करना है, काउंसलिंग करवाना है। तो काउंसलिंग के लिए क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट जो होगा वह 23 अप्रैल से लेके 3 मई तक आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कैसे आप मैंने रिजल्ट को चेक किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों को, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।